फ्रेंड्स, क्या आप कभी कभार अल्कोहल पीते हो? अगर पीते हो तो ये जान लीजिए आप खुद बदनाम हैं। इंडिया में अगर आप अल्कोहल पीते हो तो आप बेवड़ा हो या बेवड़े हो। यहाँ पर अल्कोहलिक पर्सन को बेवड़ों के नाम से जाना जाता है। बट एक बात कहूँ, क्या सच में आप बेवड़े हो? बेवड़े क्या करता है जब अल्कोहल पी लेता है? रोड में आके नौटंकी करता रहता है। क्या आप जिंदगी में कभी किए? बट कभी किसी के साथ अल्कोहल के बारे में बात करके देखिए तो नेक्स्ट वाला बंदा बोलता, मैं तो पीता नहीं हूँ, तुम साला बेवड़े हो। सच में ये बहुत लगता है, दिल में लगता है, क्योंकि जिंदगी में कभी भी मैं इंटॉक्सिकेटेड नहीं हुआ, फिर भी अक्सर मुझे बोला करता है बहुत सारे लोग कि दादा यू आर अ बेवड़ा। शायद आपके साथ भी ऐसा ही होता है। आइए आज इस वीडियो से यही जानने का कोशिश करते हैं कि हम जो ड्रिंक इंथुसियास्ट है, व्हिस्कीज को अप्रिशिएट करके पीते हैं, उन लोगों को क्यों बेवड़ा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, पहले ये जानते हैं कि इंडिया में, स्पेशली इंडिया में अल्कोहल पीने वालों को क्यों बहुत खराब नजरों से देखा जाता है। इसमें इंडियन मूवी का बहुत बड़ा हाथ है। अक्सर इंडियन मूवी में दिखाए गए कि अल्कोहल बूढ़े लोग पीते हैं, अल्कोहल पी के हम लोग गुंडागर्दी में उतर आते हैं, अल्कोहल पीने के बाद होम वायलेंस चालू हो जाता है, तो कुछ हद तक फिल्म इंडस्ट्री इसमें जिम्मेदार है। एट द सेम टाइम मैं बोलूँगा कि सच में क्या आप अल्कोहल को बुरा बोलते हो? अच्छा, मान लो कि मैंने ऑलरेडी 2 पेग लगा के वीडियो बना रहा हूँ और बहुत बेहतरीन ढंग से वीडियो बना रहा हूँ, तो क्या आप मेरे ऊपर गुस्सा करोगे? या ये भी मान लो कि आपके साथ एक बंदे का इंटरेक्ट हो रहा है, वो 2 पेग लगा के आया है, बट उसमें वो कोई इफेक्ट आपको नहीं दिख रहा है जो अल्कोहल पीने के बाद होता है, और बहुत जेंटली वो बंदा आपसे बात कर रहा है, तो क्या आप उसके ऊपर गुस्सा करोगे कि वो अल्कोहल पी के आपसे बात कर रहा है? बिल्कुल नहीं फ्रेंड। बट कोई बंदा है जो अल्कोहल पीने के बाद आपसे बदतमीजी से पेश आ रहा है, ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, तब जाके हम उसको गाली देते हैं। तो यहाँ पर मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ? हम लोग अल्कोहल को नहीं, अल्कोहल पीने के बाद जो बदतमीजी होते हैं उसको गाली देते हैं। और इंडिया में एक ट्रेडिशन है, जब भी हम लोग अल्कोहल पीने बैठते हैं, नशा जब तक नहीं आता है तब तक हम लोग पीते रहते हैं, और ये भी बहुत गलत है फ्रेंड्स। अल्कोहल को ऐसे नहीं पीना चाहिए, बल्कि मैं कहूँगा उसको एंजॉय करने के लिए लिमिटेड अमाउंट पीना पड़ता है, और हम में से कई हैं जो ये लिमिटेड अमाउंट अल्कोहल को पी के ही अल्कोहल को एंजॉय करते हैं। बदनाम इसलिए हो जाता है अल्कोहल इन सब हरकतों के कारण से। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि चंद बदतमीज लोगों के लिए हम ड्रिंक इंथुसियास को अक्सर कहा जाता है यू आर अ बेवड़ा। तो मैं हमेशा अपना जो कम्युनिटी है उनको अक्सर अवेयर करता रहता हूँ कि भैया आपको अगर अल्कोहल को एंजॉय करना है तो एक लिमिटेड अमाउंट पीते हैं। मैं 2 कैटेगरीज में इन अल्कोहल पर्संस को अलग अलग तरीकों से बांटा है। एक है बहुत ही जेंटल, जो अक्सर बार में विजिट करते हैं या घर में बैठ के पीते हैं, वो हमेशा मॉडरेट ड्रिंकिंग करते हैं, या बड़ी मुश्किल से 2 पेग और उससे ज़्यादा नहीं, अगर बियर भी पिया तो 2 पिया उससे ज़्यादा नहीं, बहुत मॉडरेट ड्रिंकिंग करते हैं और एक अच्छे लाइफस्टाइल बिलोंग करते हैं, उनको मैंने एक कैटेगरी में डाला। और नेक्स्ट है बेवड़ा। जी हाँ, ये लोग है ओरिजिनली बेवड़ा, और ये लोग जब भी बैठते हैं अल्कोहल को पीने के लिए, नशा जब तक नहीं होता है तब तक पीता रहता है। और ऐसा भी सुनने को आया है जब मैं बार्टेंडिंग करता था, क्या तू क्या पिला रहा है, नशा नहीं हो रहा है, 3 पेग मार लिया है। सर जी, 2 हाथ जोड़ आप सबको विनती करता हूँ कि अल्कोहल का जो असर है बहुत ही खतरनाक है, हम लोगों को हमेशा मॉडरेट ड्रिंकिंग करना चाहिए। और ये मॉडरेट ड्रिंकिंग का पैरामीटर क्या है मैं हल्का आपको फिर से बता दूँ, ऐसे मैं बहुत डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा हूँ, यहाँ पर क्लिक हो रहा है तो भी मैं बता देता हूँ कि अगर आप एक डेली ड्रिंकर है, ध्यान से सुनिए, अगर आप एक डेली ड्रिंकर है तो तब आपको एवरी डे एटलीस्ट 90 ml व्हिस्की पीना है, उससे बिल्कुल ज़्यादा नहीं। एक्चुअली कहा जाता है कि 60 ml व्हिस्की, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको तसल्ली नहीं मिलता तो फिर 90 पीजिए, बट उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। अगर आपको बियर पीना है तो 2 छोटा बियर या 1 बड़ा बियर, अगर नहीं होता है तो 1 बड़ा साथ में 1 छोटा बियर पी सकते हैं,
डेली अगर आप ड्रिंकिंग करते हैं तो। अगर आप वाइन पीना पसंद करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 1 ग्लास या उससे भी थोड़ा कम, 120 ml से 150 ml तक। और ये है मॉडरेट ड्रिंकिंग का पैरामीटर्स, इसको कभी भी ब्रेक नहीं करना चाहिए और इससे आप सबसे ज़्यादा अल्कोहल को इन्जॉय कर पाएंगे। फ्रेंड्स याद रखिएगा, सबको बेवड़ा बोलना बहुत गलत बात है। जो लोग अल्कोहल को अप्रिशिएट करके पीते हैं उनको कम से कम बेवड़ा मत बोलिए। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।